Hey guys, welcome or welcome back to my channel. I am Aditi and you are watching the Aditi's World. तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी वेडिंग सीजन चल रहा है तो आज का मेरा जो वीडियो है वो होने वाला है एक बहुत ही ज़्यादा वेडिंग एप्रोप्रिएट वीडियो, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप बहुत ही ईजिली अपने घर पर ही अपना पेडिक्योर कैसे कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आप अभी देख सकते हैं कि मेरे फीट्स की कंडीशन कैसी है। तो अब हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा पैडिक्योर। तो पैडिक्योर में हमारा जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो है क्लीनिंग का। तो सबसे पहले हम अपने नेल्स पे से नेल पेंट को रिमूव कर लेंगे। हमारे सारे नेल्स पे से नेल पेंट को रिमूव करने के बाद हम इस तरह से एक फुट फाइलर लेंगे एंड इसके हेल्प से हम अपने नेल्स को शेप देना स्टार्ट करेंगे। आप अपने पसंद का कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐसा कोई शेप नहीं दे रही हूँ, जस्ट अपने नेल्स को ट्रिम कर रही हूँ। अगर आप इसके पहले अपने नेल्स को कट करना चाहते तो आप पहले अपने नेल्स को कट कर सकते हैं और हमारे नेल्स को शेप देने के साथ साथ ही हमारे जो नेल फाइलर के ऊपर वाला पार्ट है इसके हेल्प से हम अपने नेल्स पे से डर्ट को भी रिमूव कर सकते हैं इस तरह से। ऐसा करने से आपकी सारी जो डर्ट है वो नेल्स पे से रिमूव हो जाएगी। और अगर आप ये वाले मेथड फॉलो करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें, वरना आप अपने आप को हार्म भी कर सकते हैं। तो हमारे सारे नेल्स क्लीन होने के बाद हम एक टोमेटो स्लाइस लेंगे एंड इसके हेल्प से हम अपने फीट्स को क्लीन करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से सर्कुलर मोशन में आप अपने फीट्स को क्लीन कर सकते हैं। टोमेटो हमारे बॉडी पे से टैनिंग को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और अगर आपके फीट्स पे बहुत ज़्यादा टैनिंग है तो आप डेली एक टोमेटो स्लाइस को अपने फीट्स पे रब करिए। इससे आपको 6 से 7 डेज़ में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आप चाहें तो इस पे थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं। और आप कभी भी अपने एंकल को ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर्ट जो है वो इकट्ठा हो जाती है। आप हमेशा देखेंगी कि ये वाला पार्ट बाकी फीट से थोड़ा ज़्यादा डार्क होता है। तो टमाटो से क्लीन करने के बाद हम अपने फीट्स को डबल से क्लीन करेंगे। तो इसके लिए हम रेडी करेंगे एक पेस्ट, जिसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा बेकिंग सोडा। उसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा लेमन जूस एंड एक ब्रश की हेल्प से हम एक पेस्ट रेडी करेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा और लेमन जूस ऐड कर सकते हैं और इसे फिर मिक्स कर लीजिए। ऐसे करने से आपका एक अच्छा पेस्ट रेडी हो जाएगा। तो इसे आप अपने फीट्स पे इस तरह से ब्रश की हेल्प से लगा के सर्कुलर मोशन में रब कीजिए। ये आपके नेल्स को भी बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देगा और अगर आपके नेल्स थोड़े येलो हैं तो ये उसे भी लाइट करने में हेल्प करेगा। और अगर आप नहीं चाहते कि आप बेकिंग सोडा यूज़ करें अपने बॉडी पे तो आप सिर्फ और सिर्फ एक लेमन की स्लाइस लीजिए और उसे भी रब कर सकते हैं। वैसे बेकिंग सोडा यूज़ करने से हमें कोई भी हार्म नहीं होता है। तो इस तरह से आप अच्छे से अपने नेल्स को क्लीन कीजिए और अपने दोनों फीट्स को क्लीन कर लीजिए। क्लीनिंग के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है सोकिंग का। तो जिसके लिए हमें चाहिए एक टब में ल्यूकवॉर्म वाटर, उसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा शैम्पू, आप कोई भी शैम्पू ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारा बाकी का लेमन बचा हुआ है उसका जूस एंड जो ये लेमन की स्लाइस है ये भी हम अपने वाटर में ही छोड़ देंगे। देन इसके बाद आप अपने वाटर को बहुत ही अच्छी तरह से शेक कर लीजिए। ऐसा करने से आपका शैम्पू बहुत ही अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा एंड इसका इस तरह से झाग भी आ जाएगा। अब इसके बाद आप इस वाटर में अपने फीट्स को सोक कीजिए। तो आपको अपने फीट्स को 10 से 15 मिनट्स के लिए इस वाटर में सोक करना है। तो इसी के साथ साथ
आप एक लूफा की हेल्प से अपने फीट्स को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो आप इस तरह से एक लूफा ले लीजिए और अपने फीट्स को क्लीन कर लीजिए। और अगर आपके पास लूफा नहीं है तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास है तो आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिए। ऐसा करने से आपके जो फीट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसकी सारी जो डेड स्किन है वो निकल जाएगी। तो थोड़ी देर लूफा से हमारे फीट्स को क्लीन करने के बाद आप इसे हटा सकते हैं। एंड इसमें जो हमने ये लेमन स्लाइस छोड़ी थी, इसके हेल्प से भी आप अपने फीट्स को क्लीन कर लीजिए। तो आप इस तरह से अपने नेल्स पे रब करने से स्टार्ट कीजिए। लेमन हमारे नेल्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ये हमारी जो नेल ग्रोथ है उसे भी इम्प्रूव करता है। प्लस लेमन में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये हमारे फीट्स को एक शेड लाइटर करने में भी हेल्प करता है। तो इसी तरह से आप अपने दोनों फीट्स को क्लीन कर लीजिए। देन इसके बाद आप इस तरह से एक फुट फाइलर की हेल्प से अपने हील्स को एंड अपने फुट के नीचे वाले पार्ट को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लीजिए। इस तरह से आपके जो हील्स हैं और नीचे वाला फुट का पार्ट है उसकी भी डेड स्किन अच्छे से रिमूव हो जाएगी। और अगर आपके पास फुट फाइलर नहीं भी है तो आप लूफा की हेल्प से भी अपने नीचे वाले पार्ट का एंड हील्स को क्लीन कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आपकी सारी डेड स्किन रिमूव हो जाएगी। तो आप अपने दोनों फीट्स पे इस तरह से क्लीन कर लीजिए। तो फुट फाइलर की हेल्प से अपने फीट्स को क्लीन करने के बाद आप थोड़ी देर अपने फीट्स को सोक करने के बाद इसे निकाल सकते हैं। एंड इसके बाद आप अपने फीट्स को पैट ड्राई कर लीजिए। आप कभी भी अपने फिंगर्स का जो सेंटर वाला पार्ट है इसे ड्राई करना ना भूलें, क्योंकि जनरली लोग यहाँ पे ड्राई करना स्किप कर देते हैं और यहाँ पे फिर हमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्क्रबिंग का। तो स्क्रबिंग के लिए हम लेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कोकोनट ऑयल एंड इससे एक स्क्रब रेडी कर लेंगे। कोकोनट ऑयल हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अब हम इसके हेल्प से अपने फीट्स को स्क्रब कर लेंगे। तो आप इसमें से थोड़ा सा लीजिए एंड इस तरह से सर्कुलर मोशन में इसे अपने स्किन पे मसाज कर लीजिए। तो ऐसे करने से आपकी जो भी डेड स्किन और बची है वो भी अच्छे से रिमूव हो जाएगी। इस तरह से आप बहुत ही अच्छे से इसे, आपको बहुत ज़्यादा पर अपनी स्किन पे हार्श नहीं होना, आपको थोड़ा जेंटली इसे रब करना है। तो इसी तरह से आप अपने दोनों फीट्स को क्लीन कर लीजिए। अपने फीट्स को स्क्रब करने के बाद आप अपने जो सेम वाटर वाला टब था उसमें एक बार अपने फीट्स को रख के सारा जो स्क्रब है उसे निकाल दीजिए। आपको इसमें आप अपने फीट्स को ज़्यादा देर तक सोक नहीं करना है, बस आपको अपना स्क्रब निकालने तक ही इसे वाटर में रखना है। इसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेप है, सेकेंड लास्ट, इसमें हम अप्लाई करेंगे हमारे फीट्स पे एक मास्क। तो इसके लिए हम जनरली जो मास्क बनाते हैं ग्राम फ्लेयर में थोड़ा सा टर्मरिक एंड कर्ड ऐड करके हम एक मास्क रेडी कर लेंगे, जैसा कि हम जनरली हमारे फेस के लिए बनाते हैं वैसा ही। तो आपको एक बहुत ही अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लेना है और इसे अपने दोनों फीट्स में अच्छे से अप्लाई कर लेना है। तो दोनों फीट्स में अच्छे से आप अपना मास्क अप्लाई कर लीजिए एंड आपको इसे
15 मिनट्स के लिए रखना है। आपको इसे 15 मिनट्स से ज़्यादा नहीं रखना है अपने फीट्स में। आपको कोई भी मास्क अपने बॉडी के किसी भी पार्ट पे 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना होता है। तो 15 मिनट्स के बाद आपका ये जो मास्क है ये बहुत ही अच्छे से ड्राई नहीं होगा, ये हल्का वेट होगा, हल्का ड्राई होगा। बट आपको इसे इसके बाद सेम टब में अपने पैर को रखना है। एंड जो सारा हमने ये मास्क लगाया था या पैक लगाया था इसे हटा देना है। इसे जेंटली रब करते हुए आपको इसे सारा निकाल देना है। एंड इसके बाद आपको अपने फीट्स वाटर में से बाहर निकाल लेने हैं। इसके बाद आप इसे फिर से टॉवल ड्राई कर लीजिए। तो हमारे फीट्स को ड्राई करने के बाद अब जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है मॉइस्चराइजिंग का। तो आप अपना कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइज़र लीजिए और एक बहुत ही अच्छी सी थिक लेयर अपने फीट्स पे अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि इतनी देर तक हमारे फीट्स को ल्यूक वार्म वाटर में रखने के बाद हमारे जो फीट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन चला जाता है। तो आप बहुत ही अच्छी एक लेयर अप्लाई कर लीजिए मॉइस्चराइज़र की। इस तरह से आप 2 मिनट्स के लिए इसे मसाज कर लीजिए। एंड देन इसके बाद आप अपना फेवरेट कोई भी नेल पेंट अपने नेल्स पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, और अगर आप नहीं चाहते तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। तो बस हमारे नेल पेंट अप्लाई होने के बाद हमारा पेडिक्योर कंप्लीट है। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। So that's it for today's video. Hope you guys enjoyed the video. If you literally do not forget to give this video a big fat thumbs up, subscribe to my channel, press the bell icon so you get notified every time I posted a new video. And now I'll see you in my next video. Till then, bye guys.